दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें टेक्निकल यू को, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। हाउ टू फिल महा डीबीटी स्कॉलरशिप फॉर्म जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जो कि उसे कैसे फिल करना है आपको मैं आज बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो हम गूगल पे जाते हैं, गूगल में महा डीबीटी ओपन कर लेते हैं। देखिए महा डीबीटी, ये देखिए फर्स्ट ये आया महा डीबीटी। उसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री है कि आपके पास आधार नंबर होना ज़रूरी है और आधार नंबर के साथ ही आपका मोबाइल नंबर भी रजिस्टर होना ज़रूरी है। अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो आपको बायोमेट्रिक यूज़ करना पड़ेगा। तो बायोमेट्रिक के लिए भी वहाँ पर प्रोसेस दिया गया है, कैसे कैसे इंस्टॉल करना है बायोमेट्रिक ड्राइवर, सारी डिटेल वहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए महा डीबीटी की साइट ओपन हो गई है। तो उसके लिए हमें पहले तो जाना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन में। तो न्यू रजिस्ट्रेशन में जाने के लिए हम पहले तो लैंग्वेज चेंज कर लेंगे यहाँ से। ये देखिए यहाँ पर मराठी लैंग्वेज है, हम इसे इंग्लिश कर लेते हैं। तो देखिए इंग्लिश हो गया। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट थिंग न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद आपको आपका आधार नंबर साथ में रखना है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको आधार नंबर है या नहीं पूछ रहा है, इसे यस कर दीजिए। उसके बाद में कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको OTP पे सिलेक्ट करना है या बायोमेट्रिक है तो बायोमेट्रिक कर दीजिए। बायोमेट्रिक के लिए आपको अलग मेथड है, वो मैं नेक्स्ट टाइम में बताऊँगा आपको। तो ये देखिए OTP, उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म करना है आपके पास मोबाइल नंबर है, आधार रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर डालना है। उसके बाद में ये देखिए 0 3 यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना है। उसके बाद में OTP सेंड करना है। अभी मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, यहाँ पर रॉन्ग आधार नंबर बोल रहा है। एक मिनट, मेरा आधार नंबर रॉन्ग हो गया है शायद। तो उसके बाद ये देखिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड बोल रहा है। तो यहाँ से आप OTP आएगा आपको, OTP वहाँ पर डालो, न्यू यूज़र आईडी बनाओ, पासवर्ड डालो, उसके बाद में ये हो जाएगा। तो उसके बाद ओके कर देते हैं। उसके बाद में जाता हूँ अभी सीधे लॉगिन की तरफ जाते हैं हम। अभी होम पेज पे जाएंगे, वहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लॉगिन के लिए मेरा पासवर्ड ऑलरेडी यहाँ पर डाला हुआ है। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ अभी T8 जो कि कैप्चर्ड है, E7EH। दोस्तों बहुत ही इजी, आपके मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर रेसिडेंट एप्लीकेंट करना है आपको, उसके बाद में लॉगिन कर देना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से लॉगिन होगा। प्लेटफॉर्म लॉगिन होने के बाद आपको करना ये है कि आपको यहाँ पर जाना है स्कीम इंफॉर्मेशन में। उसके बाद में अप्लाइड स्कीम, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। उसके बाद में ट्रैकिंग भी कर सकते हैं आप स्कीम को। तो यहाँ पर जाते हैं अप्लाई स्कीम के ऊपर, आपको स्कॉलरशिप का भरना है। तो उसके बाद में डिपार्टमेंट पे क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट है। तो डिपार्टमेंट में है यहाँ पर हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, यही स्कॉलरशिप के लिए है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, जो कि राजश्री शाहू महाराज फीस रिइंबर्समेंट स्कीम है। तो ये देखिए यहाँ पर नीचे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, ओपन है अप्लाई के लिए। उसके बाद में उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर व्यू कर दीजिए। तो उसके बाद में हम जाते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अभी ये हॉस्टल मेंटेनेंस का है, यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पर हम जाते हैं नीचे, यहाँ पर नीचे देखिए राजश्री छत्रपति शाहू शिक्षण महाराष्ट्र, ये इंजीनियरिंग के लिए और उसके बाद में जो फार्मेसी है, बहुत सारी फैकल्टीज है उसके लिए आप ये यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। इसे अप्लाई कर दीजिए। इसे अप्लाई करने के बाद आपको कुछ नहीं, आपका जो एनुअल इनकम सर्टिफिकेट है, आपका मोबाइल नंबर बैंक से, आधार नंबर बैंक से रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो कि यहाँ पर शो करेगा। तो ये देखिए यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर बैंक से रजिस्टर्ड है या नहीं, यहाँ पर शो कर रहा है। देखिए यहाँ पर मेरा नाम, ये पूरा आईडी ऑटोमेटिकली आ गया है, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो हो रहे हैं। उसके बाद में है इनकम सर्टिफिकेट, इनकम का इनकम है या नहीं उसका सर्टिफिकेट डालना है आपको। उसके बाद में यहाँ पर एक मिनट, उसके बाद में जो प्रॉब्लम फेस करने वाले आप यहाँ पर सारी डिटेल डाल दीजिए। उसके बाद में पर्सनल एलिजिबिलिटी, यहाँ पर आप डिसेबिलिटी ये क्या जो है आप सारी फिल कर दीजिए। उसके बाद में रेशन कार्ड जो रहता है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का होता है, उसका फोटो आप PDF साइज में यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट है, उसके बाद में परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद में बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर शो कर रहा है, तो इसे फिल कर दीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट करना होगा आपको। उसके बाद में पेमेंट डिटेल्स डालना होगी आपको, उसके बाद में आपकी कोर्स, उसके बाद में एजुकेशन डिटेल्स, उसके बाद में सबमिट। तो उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर बताने के लिए आपको, एक वीडियो में आपको मैं नहीं बता सकता। तो यहाँ पर एप्लीकेशन, उसे एप्लीकेशन अगर आपने
फील कर दिया तो वहाँ पर अगर बीच में छोड़ दिया तो इस पेंडिंग में दिखेगा आपको यहाँ पर, उसके बाद में आपका एप्लीकेशन आप ट्रैक कर सकते हो यहाँ से। और दोस्तों इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं, कोई स्कीम हो आप नहीं भर पा रहे तो उसकी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूले। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।